तो आज हम बात करेंगे एंजाइमोलॉजी के बारे में, यानी एंजाइमोलॉजी क्या है और इसका क्या रोल है, तो इन सब चीजों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आज हम सिर्फ एंजाइमोलॉजी का जो एंजाइम वाला पार्ट है, यानी एंजाइमोलॉजी में जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो एंजाइम्स का होता है, तो एंजाइम का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसी के साथ साथ एंजाइम क्लासिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे, तो इन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम की प्रकृति क्या है, एंजाइम किस प्रकार काम करता है और एंजाइम का रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, इन सब चीजों पर बात करें, उससे पहले हम एक अपने जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो एक देख सकते हैं, जैसे रिलेट कर सकते हैं उससे एंजाइम्स को। आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम सुना होगा, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या होते हैं, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो जानने वाले जो सीखने वाले होते हैं, उनकी जो एनर्जी है, उनकी प्रेजेंस में उनकी बातों को सुन के क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है, यानी वो खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं और जो उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो दर है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है। तो यही जो प्रक्रिया है, ये जो सिचुएशन है, यही सिचुएशंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स के द्वारा, यही जो मोटिवेशनल स्पीकर का रोल है केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, यानी एंजाइम्स एक्ट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर्स, किसके लिए, विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के लिए, यानी एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि एंजाइम का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी एंजाइम जैसे पहला था, रिएक्शंस खत्म होने के बाद भी वैसा ही बचा रहेगा और रिएक्शंस को क्या करा देगा, वो तेज गति से करा देगा, यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद तैयारी थोड़ी करेंगे, यानी उनका कोई तैयारी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी रिएक्शंस में उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंस से क्या कर देंगे, जो अगला विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, उसको मोटिवेटेड कर देंगे, तो उसकी ऊर्जा बढ़ा देंगे वो। तो यही काम केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स करते हैं। तो वर्ड जो एंजाइम है, जो शब्द एंजाइम है, तो सबसे पहले हम एंजाइम की डेफिनेशन देखते हैं, यानी एंजाइम्स वर्ड क्या बोलता। तो देखो, हम चर्चा करें जैसे एंजाइम, तो एंजाइम क्या है, एक बायोकैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट, एंजाइम क्या है, एक बायोकैटलिस्ट है। अब करता क्या है, इनहांस द रिएक्शन रेट, इंक्रीज द रिएक्शन रेट, इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाती है, जो अभिक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उसकी जो गति है वो तेज हो जाती है, प्रोसेस फास्ट हो जाती है, इंक्रीज रिएक्शन रेट। अब तीसरे पॉइंट पर बात करें, नॉट चेंज इट सेल्फ, बायोकैटलिस्ट है जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रिएक्शन रेट, और इसमें खुद में कोई भी चेंज नहीं होता, नॉट चेंज इट सेल्फ, खुद को नहीं बदलता है, खुद जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रिएक्शंस की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एंजाइम की, एंजाइम इज ए बायोकैटलिस्ट, इंक्रीज रिएक्शंस विदाउट चेंज इन इटसेल्फ, तो ये एंजाइम। सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ
एंजाइम, सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें हम चार फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन बनता है, यानी सीधा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के अंदर आती है और मतलब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिन्हें बोल सकते हैं वो है ये। अब देखो फर्स्ट है जैसे नेचर क्या है, एंजाइम्स की नेचर क्या होती है, जनरली प्रोटीन, प्रोटीन यस, नेचर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आरएनए कैटालाइज्ड। जनरली प्रोटीन्स की नेचर्स क्या होती है, प्रोटीनियस होती है, यानी अधिकांश जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है आरएनए कैटालेज। आरएनए कैटालेज भी एंजाइम्स की तरह वर्क परफॉर्म करता है लेकिन ये प्रोटीनियस नहीं है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब दूसरा फीचर जैसे हम देखते तो हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस, यानी एंजाइम्स होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है हर एक रिएक्शंस के लिए, यानी हर एक रिएक्शंस के लिए अलग एक अलग प्रकार के एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, हर एक रिएक्शंस के अंदर अलग प्रकार के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक होता है। तीसरी बात हम जब करें तो एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो ही क्या है, इनहांस या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, किस प्रकार रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, बाय द एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टी एनर्जी बाय द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके एंजाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी की वो आवश्यकता है, वो नीड है जो क्या हो रही है, सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जरूरत है, जिसकी नीड है वो एनर्जी अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी। अब तीसरे पॉइंट हम चर्चा करते हैं तो डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसको उस पर कोई इंपैक्ट इसका नहीं होता है, यानी नॉट चेंज इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ओनली इनहांस रेट ऑफ रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम है उसकी सिचुएशन में इसके द्वारा कोई भी चेंज नहीं होता, यानी जो इक्विलिब्रियम जहां पे मतलब स्थापित होना था वही होगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फास्ट मतलब अचीव होगा, इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो फास्ट अचीव हो जाएगी, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों की जो रेट है वो सेम होगी, दोनों को वो समान रूप से प्रभावित करेगा और उनकी जो रेट है उन दोनों को समान रूप से बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा। बाकी इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए वहीं पे इक्विलिब्रियम मतलब आएगा, है ना, बनेगा। अब ये स्पेसिफिक फीचर्स होगी किसके बारे में, अपने एंजाइम कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे। अब एक चीज आती है जैसे प्रोटीनियस एंजाइम,
एंजाइम्स के बारे में हम देखो जनरली स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रोटीज, प्रोटीज 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 एंजाइम प्रोटीनस एंजाइम्स प्रोटीनस एंजाइम या प्रोटीनस एंजाइम्स इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर देखो जो एंजाइम होता है हम प्रोटीन प्रोटीन के हमने एंजाइम हमने बोला जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली प्रोटीन्स होते हैं। तो इनको दो मतलब क्लास में डिवाइड किया गया, एक तो सिंपल एक कॉन्जुगेटेड। सिंपल एंजाइम्स एक है कॉन्जुगेटेड। सिंपल के अंदर क्या होता है, ओनली सिंपल एमिनो एसिड्स की चेन होती है, यानी सिर्फ इन एंजाइम्स को फॉर्मेशन में सिर्फ एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल एमिनो एसिड्स चेन सिर्फ चेन्स, इनके अंदर सिर्फ एमिनो एसिड्स की चेन्स होती है। इनके अंदर क्या होता है, एक तो होता है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन के अंदर क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकती है, कोई मेटल आयन हो सकता है, यानी प्रोटीन के पार्ट्स के अलावा एक अदर ग्रुप और अटैच्ड होता है प्रोटीन से, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रकार का एंजाइम्स बनता है। तो जो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो एंजाइम्स है इसके अंदर जो ये प्रोटीन वाला पोर्शन है इसको एपो एंजाइम्स भी बोलते हैं, और ये जो नॉन प्रोटीन वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम और को फैक्टर साथ में मिलके क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम। और ये होलो एंजाइम क्या है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम है जो दो अलग अलग प्रकार के समूह से मिलकर बन रहा है, यानी प्रोटीनियस पोर्शन के अलावा उसके अंदर कुछ अलग प्रकार के कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और मेटल आयंस जो अदर कंपोनेंट है वो अटैच्ड होते हैं उससे, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कोफैक्टर, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ शब्दावली हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर की जब हम बात करते हैं ये अपना आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर नॉन प्रोटीनियस जो पोर्शन है वो कोफैक्टर्स है। और कोफैक्टर्स अगर फैक्टर्स अगर क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको फैक्टर को क्या बोलेंगे, को एंजाइम, क्या बोल देंगे, को एंजाइम। अगर लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे जो विटामिन्स है वो को फैक्टर की तरह वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो सारे को एंजाइम्स के अंडर में काउंट की जाएंगे। अब को फैक्टर्स
ऐसे कोफैक्टर्स जो एंजाइम से ट्रांजिटली एसोसिएटेड होते हैं, यानी क्षणिक रूप से एंजाइम से जुड़े रहते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे जो ट्रांजिटली एसोसिएटेड ट्रांजिटली एसोसिएटेड जो कोफैक्टर से उनको बोलते हैं को सबस्ट्रेट। और ऐसे कोफैक्टर्स जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द रिएक्शंस एंजाइम से टाइटली अटैच्ड होते हैं, यानी एंजाइम से मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो वो जो टाइटली एसोसिएटेड है जो कोफैक्टर्स हैं उनको बोलेंगे प्रोस्टेटिक ग्रुप, एसोसिएटेड है तो प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलेंगे ऐसे कोफैक्टर्स को। अब कोफैक्टर्स के रूप में अगर मेटल है, यानी अगर कोफैक्टर्स के रूप में मेटल आयन है तो मेटल आयन दो प्रकार से मतलब एंजाइम से जुड़ते हैं, तो उनके आधार पर दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, मेटल पहला क्यों तो हो गया अपना मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स यानी इन मेटल आयंस की प्रेजेंस में जो एंजाइम्स हैं उसकी जो वर्क परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो इनहांस हो जाती है। तो इनके अंदर सारे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स आते हैं। तो इनमें जैसे हम एग्जांपल्स के रूप में देखें तो हेक्साकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज वगैरह, ये जो एंजाइम्स हैं वो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के एक होता है मेटलोजेंस, मेटलोजेंस में क्या होता है जो एंजाइम है उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अंदर कुछ मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कैटेलेज है, कैटेलेज के अंदर एफी जो आयंस है, जो आयरन से जो एफी आयंस है वो क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं मेटलोजेंस के अंदर कैटेलेज के फॉर्मेशन में, प्रोक्सीडेज के फॉर्मेशन में, उनमें भी एफी आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार के जो आयंस है ये क्या करते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, जो पर्टिकुलर एंजाइम्स है उसको, और उसकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है जो एक्टिव स्टेज है उसको मतलब स्टेबल करते हैं ऐसे आयंस। और ये जो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स है ये क्या होते हैं वीकली अटैच होते हैं एंजाइम्स से, लेकिन जो मेटलोजेंस हैं वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं किससे मेटल से। इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो पाइरूवेट काइनेज, हेक्साकाइनेज, इसके अंदर मेटलोजेंस के अंदर कैटेलेज, और एक होता है अपना प्रोक्सीडेज, तो ये हो गया अपना है ना। कोफैक्टर्स के बारे में ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज को एंजाइम, को सब्सटेंट और प्रोस्टेटिक ग्रुप्स और मेटल एक्टिविटेड एंजाइम्स और मेटलोजेंस। तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ एंजाइम्स का स्ट्रक्चर रिलेटेड पार्ट था इंट्रोडक्शन का।